2018 पाकिस्तान शाम बन चुका होगा, शहर के शहर खंडर बन चुके होंगे और पूरे मुल्क पर हमारा कब्जा होगा। यही कहा था ना तुमने? यही कहा था ना? क्या हुआ? सारे के सारे दावे हवा हो गए? एजेंट 01, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे रिपोर्ट चाहिए। इतने साल इतने वसाइल के बावजूद रिजल्ट क्या? जीरो। क्यों एजेंट 01? अफगानिस्तान, लीबिया, शाम, इराक, इन प्रोजेक्ट पर तुमने जबरदस्त काम किया, ये पाकिस्तान पर तुम्हें क्यों मौत आ गई? चीफ, हमने भरपूर मेहनत की, लेकिन पाकिस्तान और हमारे दरमियान हायले कुव्वत ने मेरा हर बार नाकाम कर दिया। इस कुव्वत ने मेरी एक नहीं चलने दी। ऐसी कौन सी कुव्वत है जिसका मुकाबला इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर पाई? पाक फौज। मैंने तुम्हें इस मिशन पे जाने से पहले क्या कहा था, याद है? याद है कि तुम्हारे रास्ते में सिर्फ एक ही चीज हायल होगी और वो है पाक फौज। अगर तुमने इसे कमजोर कर दिया तो समझो तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए। चीफ, मैंने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वहां की फौज और एजेंसियों ने मेरी हर साजिश को नाकाम कर दिया। एजेंट 01, तुम कोशिश करो और रिजल्ट लाए। ऐसा हो नहीं सकता। मुझे बताओ, तुमने फौज को कमजोर करने के लिए कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए? चीफ, ये पूछिए कि कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि अगर किसी भी मुल्क पे कब्जा करना है तो वहाँ की आवाम के दिल में फौज के लिए इतनी नफरत डाल दो कि उन्हें अपने ही मुहाफिज चोर लगने लगें। और मैंने अपनी प्लानिंग में इस बात का बखूबी ख्याल रखा और भरपूर साजिश की कि वहाँ की आवाम अपनी फौज से नफरत करने लगे। और इसी प्लानिंग के तहत सबसे पहले मैंने फौज 80% बजट का हिस्सा खा जाती है ये वाला शोशा छोड़ा। गुड, गुड स्टार्ट। ये काम किन लोगों से कराया तुमने? चीफ, इस काम के लिए मैंने सबसे पहले बिकाऊ सियासतदानों को खरीदा और फिर कलम फरोश सहाफियों की खिदमात हासिल की। उन्होंने इस काम में मेरी भरपूर मदद की और आवाम को गुमराह करने में मेरे साथ पेश पेश रहे। अच्छा, तो फिर नतीजा क्या निकला? चीफ, शुरू में तो बेहतरीन नतीजे सामने आए, लेकिन ये शोशा ज्यादा अरसा चल नहीं पाया। इतना अच्छा हरबा और सिर्फ कुछ अरसे चल सका? जी हाँ चीफ। मगर क्यों? चीफ, इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ की आवाम की अपने फौज से मोहब्बत है। जब हमने ये शोशे छोड़े तो वहाँ की आवाम ने पूरी दुनिया की अफवाज के बजट निकाल लिए। वो जान गए हैं कि उनकी फौज दुनिया की सबसे कम बजट लेने वाली फौज है और उसके बावजूद भी वो दुनिया की बेहतरीन फौज कहलाती है। और वहाँ की एजेंसी ISI दुनिया की नंबर वन एजेंसी है और इस बात का इतराफ तो हम लोग भी करते हैं। अच्छा, तो फिर तुमने क्या किया? चीफ, मैंने वहाँ के कुछ ज़मीर फरोशों को डॉलर के एवज खरीदा और उन्हें बताया कि अपने लोगों को बताएं कि फौज उन पर जुल्म कर रही है। भरपूर कोशिश की कि फौज और आवाम में नफरत पैदा हो। गुड प्लानिंग। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? चीफ, इसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा भी कर लिया और फौज के खिलाफ नारे भी लगने लगे। एक स्लोगन भी दिया था मैंने उन्हें, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो फिर इस नारे का नतीजा क्या निकला? फौज और आवाम में कशीदगी पैदा हुई? नहीं चीफ, बल्कि वहां की आवाम हमारे ही खरीदे हुए लोगों के खिलाफ हो गई और वो ये जान गए कि ये बिकाऊ लोग हैं।
तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को तुमने फौज के खिलाफ बयान देने और लोगों को उकसाने के लिए खरीदा, आवाम उनके ही खिलाफ हो गई। यस चीफ, यही बात है। यहां तक कि मैंने वहां के वजीर आजम से भी फौज पर इल्जाम लगवा दिए, लेकिन आवाम ने उस वजीर आजम को ही उठा के बाहर फेंक दिया। अपनी फौज से इतनी मोहब्बत मैंने आज तक किसी मुल्क की आवाम को करते नहीं देखा। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी जो पाकिस्तानी आवाम की फौज से इतनी मोहब्बत करती है। एजेंट 01, तुम क्या समझते हो, क्या वजह हो सकती है? चीफ, कोई एक वजह हो तो बताऊंगा। ये देखिए, मुल्क में जलजला आ जाए तो फौज मदद को आती, सैलाब आ जाए तो फौज मदद को आ रही है, पोलियो के कतरे पिलाने में भी फौज मदद कर रही है, बारिशें हो तो भी फौज आ रही है, और मर्दमशुमारी में भी पीछे फौज खड़ी है। और ये देखिए चीफ, इस मुल्क की फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ किस कदर कुर्बानियां दी हैं, और शोहदा के वालदैन के बयान देखिए जरा, उनका जज्बा देखिए। अपनी फौज से मुझे बहुत प्यार है, मेरे अगर 10 बेटे भी हो ना तो मैं दोबारा फरहान दिया है तो मैं अपनी फौज में ही हूँ। मेरे मोहम्मद अनीस को जो शहादत का सिरा मेरे प्यारे रब ने सजाया, और जिस शान से सजाया, जिस शान से उसे दूल्हा बनाया, वो तो मैं क़यामत तक नहीं बना सकती थी। मैंने जब फौज में इदारे में देखा तो मेरे मोहम्मद अनीस की जो सीट थी वो खाली हो चुकी थी, इसलिए मैं अफरासियाब को उस जगह पे भर्ती कराया कि मेरे मोहम्मद अनीस की जगह वो कवर हो गई है। जब अफरासियाब शहीद हो जाएगा तो मैंने उसामा वेद को भर्ती कराना है, उसामा वेद जो शहीद हो जाएगा तो उबैद वेद को भर्ती कराना है, और मोहम्मद अनीस की वर्दी मैंने खुशबू लगा कर इतनी खूबसूरत सजा कर रखी हुई है, मैं सबसे छोटे बेटे मोहम्मद उमर के लिए रखी हुई है। बिलाल को आखिरी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी, वो आगे बढ़ता चला गया कि अचानक एक छुपे हुए दहशतगर्द ने गोला उसके सीने पे दागा, और बिलाल शहादत ने हंसते हुए अपनी जान मुल्क की खातिर कुर्बान कर दी। बिलाल शहीद मुस्कुराते हुए शहीद हुआ। मैंने जब उसकी शहादत की खबर सुनी तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, पाक परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे शहीद बेटे की आखिरी ख्वाहिश। ये मुल्क है तो हम सब है, अगर मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैंने अपने दो बेटों की कुर्बानी दी है और इस कौम के लिए दी है, और इसमें मुझे फख्र भी है। तो इस कौम को फौज का साथ देना चाहिए। क्या मैं दो शहीदों की माँ हूँ, मैं इससे बार और क्या कह सकती हूँ। मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी। जिस मुल्क की फौज अपने मुल्क का दिफा इतनी बहादुरी दिलेरी से करे, इतनी इसार और कुर्बानी के बावजूद उसके हौसले बस ना हो और हर मुसीबत में अपनी आवाम के शाना बशाना खड़े होकर काम करे, और उसकी आवाम भी उससे इतनी मोहब्बत करे, उस मुल्क और उस फौज का इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एजेंट 01, इस प्रोजेक्ट को यही बंद कर दो, हम अपना ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते। अपनी फौज से मुझे बहुत प्यार है, मेरे अगर 10 बेटे भी हो ना तो मैं दोबारा फरहान दिया तो मैं अपनी फौज में नहीं कह सकती हूँ। क्या मैं दो शहीदों की माँ हूँ, मैं इससे बार और क्या कह सकती हूँ। मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने इस मुल्क के लिए शहादत भूले नहीं, मट्टी की मोहब्बत भूले नहीं, हमको ही
शहादत भूले नहीं।